हेलो गाइस, तो अभी हो रहे हैं रात के 12:07। तो अभी भी पार्ट कंटिन्यू है और हमारी देवरानी जी दूध गर्म कर रही है क्योंकि सब लोग भूल गए थे। और मेरी जो एक और देवरानी है वो थोड़ा रेस्ट करने गई है, ननद भी रेस्ट करने गई है। तो ये और हम अभी ड्यूटी पर हैं। सो अभी देखते हैं शिफ्ट हम लोग की कब चेंज होती है। वैसे तो हम लोग पूरी रात जगने वाले हैं। सो क्यों ना, हाँ हम लोग की पूरी प्लानिंग है कि हम लोग को रात भर जागना है। तो वो दूध गर्म कर रही हैं और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि रामायण पाठ हो रहा है, वहाँ कौन कौन है। बाकी सबके सब सो गए गाइस, सबके सब सो गए हैं। मेरी ननद की लड़की जिसका अभी पुलिस में हुआ है सिलेक्शन, उसके लिए बहुत बहुत बधाई क्योंकि मैं अभी उसे फर्स्ट टाइम मिली हूँ। तो मेहंदी कैसी लगी? हमें इतनी नींद आ रही है कि मैं मतलब वो मुझे देख के कह रही है कि मैं दीदी से लगवा लूंगी। कोई बात नहीं, कल लगवा लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही है। थैंक यू। रात में सबके सब लोग सोए हुए हैं, ये देखे सब लाइन से सोए हुए हैं। बाकी लोगों को अब मैं नीचे दिखाती हूँ आप लोगों को। करो हाय। हाँ ये दो लोग अभी मुझे कंपनी दे रहा है और आपको मैं अभी मैंने इनको इंट्रोड्यूस कराया था आपको। अभी इनको नीचे मैंने मेहंदी लगाई थी, ये उनकी बड़ी सिस्टर हैं। इन दोनों लोगों को अभी नींद नहीं आ रही है, बाकी सब खर्राटे ले रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े खर्राटे ले रहे हैं। ट्रैक्टर, बस, ट्रक सब जा रहे हैं। सो गाइस, अभी मैं सेकंड फ्लोर पे थी, अब मैं जा रही हूँ फर्स्ट पे जहाँ पे रामायण हो रहा है। और मैं भी अकेले नहीं छोड़ सकती क्योंकि ये मेरी देवरानी अकेली पड़ जाएंगी, इसीलिए मैं कंबल लेके नीचे जा रही हूँ। तो अभी सुबह के बजे हैं 11:30 और अभी भी अखंड रामायण पाठ शुरू है और बस लास्ट ही है और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। बट उससे पहले हम लोग यहाँ बैठ के ये चौथा राउंड है चाय। तो कथा यहाँ पे समाप्त हो गई है। अब तो पंडित जी बताओ, रामायण पाठ कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा? आरती नहीं, हवन, हवन के बाद आरती। ठीक, तो हवन की तैयारी सारी हो चुकी है, ये देखिए सारा तैयारी हो गया। अब हवन होगा, हवन के बाद आरती होगी। Yeah.
8:30 और अभी चल रही है मस्ती, क्योंकि बड़ी ननद से तो आप लोगों ने मिल लिया है, तो मेरी छोटी ननद भी घर पे आ गई है और ये है उनके हस्बैंड, ये है उनका बच्चा और बच्चे दिखा रहे हैं कि उन्होंने क्या आज वेयर किया है ड्रेस। सो और अभी मैं मिलाती हूँ आपको अपनी ननद से। सो ये है दीदी और काफ़ी लेट कर दी और एक दिन जो है हम लोग के साथ एंजॉयमेंट का जो इसका दिन था वो भी उसने लॉस कर दिया है। इसको कल आना चाहिए था क्योंकि कल ही रामायण पाठ बैठा हुआ था और आज सुबह में ही, लेकिन हवन से पहले आ गई थी और आरती में बहुत मज़ा आया क्योंकि ये आरती में चार चांद लगाने वाली हैं और बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने। दीदी कैसा लग रहा है घर का माहौल, कैसा है माहौल? अच्छा आ रहा है, लेकिन एक दिक्कत ये है ना कि दीदी दीदी के पैर में मोच आ गई है, तो ये जब से आई है तो एक जगह स्टैचू बन के बैठी हुई है। हाँ, लेकिन भैया का सबसे इंट्रो हो गया है। हाँ भैया, कुछ बोलना चाहेंगे आप हमारे दोस्तों को जो लोग आपको देख रहे हैं? सो मैं पहले ये बता दूँ कि जो छोटे भैया हैं वो साइंटिस्ट हैं इंदौर में, तो वो लोग इंदौर से कल आए इसीलिए वो डायरेक्ट गोसाईगंज नहीं आ पाए, तो आज ये लोग जो है डायरेक्ट घर से अपने जामों से गोसाईगंज आए हैं। सो बाकी की अपडेट मैं आपको थोड़ी देर में दूंगी गाइस। देख सकते हो सब खाना खा रहे हैं। अब देख सकते हो अब सबसे लास्ट में मैं और मेरी रानी की बच्ची है, बाकी सारे लोग खाली हैं और ये लास्ट है हम लोग के खाने के बाद ये सारा कुछ।